छठवीं सदी के दौरान अरब के अंदर परिवर्तन की बयार शुरू हो चुकी थी। अर्थात जहां छठी सदी से पहले कुछ कबीले खाना बदोश थे, चारागाह और खजूर की तलाश में जगह जगह घूमते थे, तो वहीं छठी सदी तक आते आते इन कबीलों ने व्यापार को अपना पेशा बनाया। और ऐसा परिवर्तन सबसे ज़्यादा पश्चिमी अरब के मध्य भाग में देखने को मिलता है, जिसे हिजाज कहते हैं। इस्लाम के उद्भव स्थल मक्का और मदीना इसी क्षेत्र में आते हैं। अरब लोग कई कबीलों में बटे हुए थे और प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने खुद के देवी देवता होते थे, जो बुतों के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। ये कबीले कुछ शहरों में बस गए थे और व्यापार खेतीबाड़ी का काम करने लगे थे। इन्हीं शहरी बस्तियों में व्यापारिक केंद्र के रूप में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बस्ती थी वो थी मक्का। मक्का की महत्ता उसके तीर्थस्थल के होने की वजह से भी थी। मक्का का मुख्य धर्म स्थल एक वर्गाकार ढांचा था, जिसे काबा कहते हैं। काबा में मूर्तियां और अन्य चीज़ें थीं जिन्हें विभिन्न कबीले मुकद्दस मानते थे। उन मुकद्दस चीज़ों में एक काला पत्थर भी शामिल था जो वहां की दीवार में लगा था, और हर साल एक खास समय में लोग यहां तीर्थ करने आते थे। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जहाँ हिंसा वर्जित थी, और यहाँ आए सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थयात्रा और व्यापार ने खाना बदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। 5वीं सदी के अंतिम समय में मक्का पर कुरैश कबीले का शासन हुआ, और इस कबीले में अनेक कुल थे जो व्यापार में लगे हुए थे। बाद में इस कबीले में गुट विभाजन दिखना शुरू हुआ और ये गुट कुलों के आधार पर विभाजित हो गए। इनका टकराव का मुख्य कारण एक हद तक मक्का के व्यापार में बड़ा हिस्सा प्राप्त करना था। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसी कबीले में 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है, जो 7वीं सदी की शुरुआत में अपना धार्मिक संदेश देना शुरू करते हैं। मोहम्मद साहब की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में कम जानकारी मिलती है। उनके बारे में प्रथम विवरण उनकी मृत्यु के लगभग 100 से ज़्यादा अरसे बाद लिखे गए। मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला एक सीमित संसाधनों वाले व्यक्ति थे। जब मोहम्मद साहब छोटे थे तभी उनके माता और पिता दोनों का इंतकाल हो गया था। उनकी शुरुआती परवरिश चाचा अबू तालिब ने की थी। जब मोहम्मद बड़े हुए तो उन्होंने खदीजा नामक धनी विधवा के यहाँ नौकरी कर ली, और आगे चलकर मोहतरमा खदीजा से ही मोहम्मद साहब की शादी हुई। शादी के वक्त मोहम्मद साहब की उम्र करीब 25 साल थी, जबकि खदीजा उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। करीब 610 और 612 ईस्वी के आसपास लगभग 40 वर्ष की उम्र में हीरा पर्वत पर मोहम्मद साहब को तीव्र आध्यात्मिक अनुभव होता है और वे अपने आप को खुदा का रसूल घोषित कर देते हैं। मोहम्मद साहब ने ऐलान किया कि वे अल्लाह के दूत या पैगंबर हैं, और अल्लाह के संदेश उनके जरिए ही इंसान तक पहुँचाए जा रहे हैं। इन्हीं ईश्वरीय संदेशों या श्रुतियों पर मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान आधारित है। खदीजा उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने मोहम्मद की पैगंबरी पर सबसे पहले यकीन किया और ईमान लाया, और कुछ ही सालों में मोहम्मद साहब के पास मक्की अनुयायियों का एक छोटा समूह हो गया जिसने उनके धार्मिक विचार स्वीकार कर लिए थे, और ये लोग मुस्लिम अर्थात अल्लाह की अधीनता स्वीकार करने वालों के नाम से जाने गए, और धर्म खुद इस्लाम के नाम से जाना गया, जिसका मतलब था समर्पण या अधीनता। पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे, और जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। अगर आपको यह दिलचस्प जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिए। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी अगर आपके पास भी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।